सो हेलो गाइज, स्वागत करता हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल नितिन वायरल व्लॉगिंग में। सो गाइज, अब हम वर्धा में हैं, मतलब एग्ज़ाम देने के लिए आया था मेरे। मेरा एग्ज़ाम था तलाटी भर्ती का, इसीलिए आया था। मेरे साथ मेरा भाई भी आया है। अभी ट्रेन दिखते हैं वहाँ पर कोई आती है या फिर नहीं। यहाँ पर कई सारी मतलब जो मेन इंजन रहते वो। गाइज ये देखिए हमारा तिरंगा जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लहरा रहा है। और ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये ट्रेन के जो मतलब इंजन्स ख़राब हो जाते हैं तो उनको ठीक करने के लिए होते। ये देखिए, ये है वो ट्रेन पीले कलर की। फ़िलहाल इस स्टेशन पर बहुत ही कम लोग हैं, मैं, मेरा भाई और ये। अभी लिफ्ट से नीचे जाते हैं। गाइस अभी एक ट्रेन निकल चुकी है हाथ से, क्या करें। देखिए मालगाड़ी मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, जंग खा चुकी है पूरी, मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। देखिए मेरा भाई मेरे बीच में बोल रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ उसके बीच में बोल रहा है। कितनी लंबी मालगाड़ी है, देखिए पीछे तक जा रही है, एकदम पीछे तक। इसमें कई सारे डिब्बे होंगे, देखिए कोयले हैं मालगाड़ी के ऊपर, सारे कोयले भरे हुए हैं। कोयला ले जा रही है मालगाड़ी। ये देखिए गाइस, मतलब जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक मालगाड़ी का डिब्बा ही है बहुत ज़्यादा, और वो मालगाड़ी का इंजन। एक ही इंजन कितनी ज़्यादा मतलब मालगाड़ी को खींचता है। इनमें कई सारा वजन, कई सारा लाखों टन कोयला है। ये सब एक ही इंजन खींचता है। ये देखिए वर्धा का रेलवे स्टेशन पूरा का पूरा खाली है, कुछ भी नहीं है, सन्नाटा। गाइज अभी फ़िलहाल हम शेगांव को जाने के लिए ट्रेन ढूंढ रहे, अभी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे, लेकिन ट्रेन आ ही नहीं रही। अभी वेट करते थोड़ा, कब आएगी क्या पता। गाइज यहाँ पर मुंबई की तरह लोकल ट्रेन्स नहीं होती, मतलब एक्सप्रेस ट्रेन्स होती है। यहीं पर रुकती है, तो यहीं से हम जाएंगे शेगांव। शेगांव से जाएंगे बस पकड़ पर। ये देखिए गाइज एक मालगाड़ी आ रही है, क्या भरकर ला रही है क्या पता, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है। लाखों टन इसमें ने के कोयला होता है या फिर कोई भी चीज़ होती है मालगाड़ी के अंदर। ये कई सारी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है। वहाँ पर जो गाड़ी खड़ी है पीले कलर की, वो सारे गाड़ियों को ठीक करती है। जो भी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो उन गाड़ियों को ठीक करने का काम वो गाड़ी करती है। और ये रही मालगाड़ी, ये देखिए लाखों टन कोयला, शायद कोयला ही है इसके अंदर, दूसरी भी चीज़ें हो सकती है, लेकिन लाखों टन लोड खींचने की क्षमता सिर्फ एक इंजन में होती है। ये देखिए सिर्फ एक इंजन कहाँ तक जा रहा है, देखो ये देखिए, ये देखो उसका आखिरी छोर है, देखिए यहाँ पर है, और भी आ रहा है। देखिए बहुत ज़्यादा लोड खींचने की क्षमता रखती है एक मालगाड़ी, मतलब मालगाड़ी का इंजन। ये देखिए गाइस अभी फ़िलहाल पूरे रेलवे स्टेशन पर सिर्फ 4 से 5 ही लोग हैं, मैं, मेरा भाई और जो पीछे लोग दिख रहे हैं, सिर्फ वही, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा लोग नहीं है यहाँ पर। और ये चिड़िया जो चिल्ला रही है कब से, ज़्यादा लोग नहीं है। और ये मालगाड़ी भी यहीं पर रुक गई है इस मालगाड़ी की तरह। वर्धा में हर एक गाड़ी रुकती है, चाहे वो एक्सप्रेस ट्रेन हो या फिर मालगाड़ी हो, हर एक गाड़ी रुकती है वर्धा में। प्लेटफॉर्म पर कोई सुनने के लिए नहीं है, फिर भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्यों कर रहे, कोई भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर, कौन सुनने के लिए एडवर्टाइजमेंट इनका। और ये तो सुनने के लिए तैयार नहीं, ये सो गया है। देखिए यहाँ पर सारे डिब्बे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मालगाड़ी के डिब्बे, लेकिन ये जो आप पीछे एक डिब्बा दिख रहे हैं मालगाड़ी का, सिर्फ यही एक अकेला पड़ा हुआ है, तो इसे कोई देखने वाला है ही नहीं, मतलब सिर्फ अकेला ही एक मालगाड़ी का डिब्बा वहाँ पर खड़ा है। ये देखिए अकेला ही खड़ा है, और बाकी की जो ट्रेन्स है जो इसको जोड़ने वाली है उसके सारे इंजन्स वहाँ पर है यहाँ पर, तो इसके पिछले साइड में वहाँ पर ट्रेन के इंजन्स है जो इस डिब्बे को जोड़ने वाली है,
लेकिन फिलहाल अकेला ही खड़ा है। गाइस यहाँ पर मालगाड़ियों का आना जाना हमेशा रहता है, मतलब यहाँ पर जितनी चाहे उतनी मालगाड़ियाँ आती जाती रहती है। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि कितनी आएंगी कितनी नहीं, सिर्फ एक ही मालगाड़ी मतलब एक ही इंजन सारी मालगाड़ियों को खींच रहा है। गाइस ये देखिए, जूम करके दिखा रहा हूँ, इसमें कितना सारा कोयला भरा हुआ है। ऊपर से सारा कोयला है, देखिए ये जो काला काला दिख रहा है ये पूरा कोयला है। ओ, एक डिब्बा बजा तो सारे डिब्बे बजने लगे, मतलब इसलिए इनको नहीं क्या आराम से चलाना पड़ता है, कहीं ज़ोर से चलाने पर टूटकर मतलब नीचे नहीं गिर जाए जितना अंदर का मटेरियल है, इसलिए इनको स्लो चलाया जाता है। ये देखो मेरी बैग सिर के नीचे रख दी है और सो गया। अब मेरा भाई सो गया तो फिर मैं भी सो जाता हूँ, जब जाएंगे तब जाएंगे आराम से। गाइस अभी 5:15 बजे है, तो ये देखिए ये ट्रेन आई है, पुणे जाने वाली ट्रेन है, लेकिन इस ट्रेन में नहीं जाना है क्योंकि ये ट्रेन शेगांव को नहीं रुकती, सो इसी वजह से इस ट्रेन में नहीं जाएंगे। सो अभी अहमदाबाद एक्सप्रेस आ रही है तो शायद वो ट्रेन जाएगी, तो मेरे भाई से एक बार पूछना पड़ेगा कि वो ट्रेन जाती है फिर नहीं। सो वो वहाँ पर पीछे मूड हो रहा है अपना, सो मतलब अभी सोकर उठा है, फ्रेश होकर पूछेंगे, वो जो पीछे कांस्टेबल है सो उससे पूछेंगे कि अहमदाबाद एक्सप्रेस जाती है या फिर नहीं। गाइज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काले बादल है और अभी फ़िलहाल 5 बज रहे, ऐसा लग रहा है कि शाम के 6:30 बज रहे, लेकिन अभी फ़िलहाल 5 बज रहे, अंधेरे जैसा टाइप हो गए। ये देखिए अभी फ़िलहाल हम वर्धा स्टेशन पर हैं, पूरा बिगड़ चुका है मौसम का हाल, मतलब अभी कभी भी बारिश हो सकती है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकलना है। मौसम का यही क्लाइमेट है, यही रूप है जो वो कभी भी बदल देता है। वहाँ से एक एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है, आप देख सकते हैं, सो भी ये यहीं पर रुकेगी शायद, प्लेटफॉर्म 2 पर आ रही है शायद, ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर है, सो भी शायद यहीं पर आएगी। मैं मेरे भाई को कब से ढूंढ रहा था और वो वहाँ पर खड़ा है पीछे, क्या यार मुझे पता कि भी कहीं पर नहीं जाता। ऑयल टैंकर की मालगाड़ी देखिए अभी अभी आई है, मतलब इसमें पूरा ऑयल भरा हुआ है, डीजल हो या फिर पेट्रोल हो जो भी होगा, ब्लैक ऑयल इस पर लिखा है, ब्लैक ऑयल लिखा है, सो ये सब कुछ इसके अंदर भरा हुआ है। सपोज़ गलती से भी एक भी फट गया तो ये कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि इसके अंदर पूरा ओरिजिनल ऑयल है जो कि रॉ मटेरियल है, मतलब कच्चा ऑयल है जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। ये देखिए काला तेल, इस पर लिखा है काला तेल, काला काला हो चुका है, नाम भी सही है काला तेल, इसके अंदर पेट्रोल डीजल सब कुछ होता है। सो गाइस जब मैं यहाँ पर आया था तो फिर यहाँ पर वर्धा स्टेशन पर कोई भी नहीं था, लेकिन आप देखिए कई सारे लोग आ गए हैं जो कि अभी अभी आए हैं। जब भी मेरे मोबाइल में चार्जिंग काफ़ी ज़्यादा कम है, जो कि मतलब 37% है, कभी भी ख़त्म हो सकता है, इसलिए मैं व्लॉग बहुत ही कम बनाने वाला हूँ। यहाँ मिलते हैं ट्रेन में, सो ट्रेन का मतलब ट्रैवल भी दिखाऊँगा आपको। गाइस ट्रेन में बैठे थे कि किसी ने चैन पुलिंग कर दी, इसी वजह से ये आवाज़ आ रहा है, तो पुलिस आई है थोड़ी सी पीछे, वो देखिए पुलिस खड़ी है, तो अभी कुछ तो कर रही है, वो चैन पुलिंग कर दी थी अभी पीछे, तो देखिए ये पुलिस है, जिसने चैन पुलिंग की थी उसको ढूंढ रहे हैं अभी। सो गाइस अब हम शेगांव पहुंच चुके हैं, ये मंदिर है पीछे का, सो अभी मंदिर के दर्शन करेंगे और उसके बाद में जाएंगे खाना खाने के लिए। पूरा 4 घंटे का ट्रैवलिंग रहा ट्रेन में, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग ख़राब कर रहा था, वो बीच में चैन पुलिंग कर दी एक बंदे ने, तो वहाँ पर ही 1/2 घंटा चला गया, पुलिस वाले आ गए, सो उसी प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादा लेट हो गए हम। और गाइस वर्धा से गाड़ी भी बहुत कम मिलते हैं,